नमस्कार। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप स्काइपे में कैसे ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जिस बंदे के साथ कॉन्फ्रेंस करनी है, जिसके साथ, उसका आईडी ऐड करना होगा। उसके लिए आप ऐड कॉन्टेक्ट पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसका स्काइपे नेम लिखिए, RRG India, फिर उसके ऐड कीजिए। फिर मैसेज आएगा लिखा, अब आपने उसको ऐड कर दिया। अब जो बंदा अभी अगर ऑनलाइन हो जाए, तब वो उसके साथ आप चैट कर सकते हैं या उसके साथ कॉन्फ्रेंस में ज्वाइंट हो सकते हैं। अभी आशीष सोनी ने आपको ऐड कर दिया, तब आपको कॉल आएगा सामने से। अब आप कॉल एक्सेप्ट करके कॉन्फ्रेंस में ज्वाइंट हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने कॉल एक्सेप्ट कर लिया, तो ये चालू हो गया। अभी यहाँ से आप विंडो, स्काइपे की विंडो स्मॉल कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो साथ में नीचे चैट का भी ऑप्शन खुल जाएगा। अभी कॉन्फ्रेंस पे डिस्टरबेंस ना हो, उसके लिए आपको अपना माइक म्यूट रखना पड़ेगा। तो माइक म्यूट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो माइक म्यूट हो जाएगा। यहाँ करेंगे, बाद में माइक स्टार्ट हो जाएगा। अभी इसी तरह आप कॉन्फ्रेंस सुन सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ध्यान रहे, आपको अपना माइक म्यूट करना है और यहाँ पे ऐसे फीचर्स है यहाँ के। नाम ध्यान रहे, आशीष सोनी। धन्यवाद। हाँ, अभी आपका स्काइपे का कॉल चालू हो गया। अभी स्काइपे की स्क्रीन को सबसे पहले छोटी करने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, तो स्क्रीन छोटी हो गई। अभी आपको स्काइपे में कॉल्स या कॉन्फ्रेंस के बीच में कहीं पे लिखना है या कुछ मैसेज पढ़ना है, तो जिस आदमी या बंदे या ग्रुप के साथ आपकी कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसके नाम पे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो नीचे चैटिंग का विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप चैटिंग का विंडो ओपन कर सकते हैं। अभी कॉलिंग की सेटिंग चेंज करने के लिए, ये आपका आवाज़ नहीं आ रही है, ये आपका माइक वर्क नहीं कर रहा है, स्पीकर नहीं वर्क कर रहा है, हेडफोन अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, स्पीकर चल रहा है और स्पीकर में से आपको हेडफोन में करना है डाइवर्ट, तो यहाँ से कर सकते हैं। कॉल क्वालिटी की इंफॉर्मेशन राइट हैंड साइड सबसे लास्ट बार है, जहाँ पे आपको ग्राफ जैसा दिखाई देगा, वहाँ ग्राफ पे क्लिक करके आपको ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहले माइक्रोफोन, यानी आप जहाँ से बोल रहे हैं, तो आपको यहाँ से अपना माइक सिलेक्ट करना है कि कौन सा माइक आपको रखना है। जो माइक रखेंगे और वो माइक अपने कंप्यूटर में ज्वाइंट कर लेंगे, तो वहाँ सामने आपकी आवाज़ सुनाई देगी। फिर से यहाँ पे आपको जो माइक से बोल रहे हैं वही माइक सिलेक्ट करना है। उसके बाद सामने वाले को आपकी आवाज़ सुनाई देगी जहाँ से आप बोल रहे हैं। तो यहाँ से माइक्रोफोन की सेटिंग करनी है। फिर स्पीकर, अगर आपके स्पीकर चालू है और आपको हेडफोन करना है, तो यहाँ से स्पीकर और हेडफोन के ऑप्शंस आएंगे, तो हेडफोन सिलेक्ट कर दीजिए। तो फिर आपके आजू बाजू जो लोग होंगे, उनको आवाज़ नहीं सुनाई देगी पब्लिक स्पीकर के, सिर्फ हेडफोन पे सुनाई देगी। अगर आप स्पीकर रखेंगे तो सबको आवाज़ सुनाई देगी, आपके आजू बाजू हेडफोन में सिर्फ आपको सुनाई देगी। तो यहाँ से प्रॉपर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप वेबकैम चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, इसके सेटिंग्स आती है। लेकिन राइट टू रिकॉल कॉन्फ्रेंस में आपको वेबकैम की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ माइक्रोफोन और स्पीकर की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान रहे कि वो दोनों की सेटिंग अच्छी तरह से कर ले। और यहाँ दूसरा भी एक ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट माइक्रोफोन सेटिंग्स और स्पीकर में, ये दोनों सिलेक्ट कर ले, टिक मार्क कर ले। एक बार अपने सही माइक्रोफोन और सही स्पीकर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपकी आवाज़ सामने जा सकेगी और सामने की आवाज़ आ सकेगी।
अभी कॉन्फ्रेंस के अलावा वक्त आपको अपनी माइक म्यूट रखनी है, क्योंकि अगर म्यूट नहीं रखेंगे तो आपकी आजू बाजू की जो आवाज़ आ जाएगी वो सीधी कॉन्फ्रेंस में सबके पास जाएगी, तो डिस्टर्बेंस होगा। उसके लिए यहाँ से आप अपना माइक म्यूट कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सेकंड ऑप्शन जहाँ पे माइक का फोटो है वहाँ पे क्लिक कीजिए तो माइक म्यूट हो जाएगी। अभी माइक यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी।